सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा था वो कल हमने बिल्कुल थ्योरी पार्ट पढ़ी थी, ठीक है। तो जो बच्चे इनको ये लग रहा है कि सर ये नीट का जेई का लेक्चर है, तो वो दोनों में कॉमन ही है, एक्चुअली जेई नीट दोनों में वो चीज़ कॉमन आती है। आज का भी इवन दो लेक्चर जो होगा ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में मैं कॉमन लेक्चर डालूंगा जेई नीट में, हाँ जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब भले नीट और जेई का लेक्चर अलग अलग जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या भाई, अब ऐसे समझो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कभी भी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे जो प्रॉपर्टी उनको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे इंडिया में, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे नंबर्स ऑफ पीपल्स ज़्यादा मायने रखते हैं। ये मायने नहीं रखते कि टाटा बिरला कितने भाई, ठीक है वो अलग बात है कि भाई 50, अगर एक पार्टी के पास 50 टाटा बिरला जैसे लोग हैं और एक पार्टी के पास पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस बात है कौन जीतेगा, राइट। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीतेंगे तो नंबर ऑफ पीपल्स वाले, लेकिन भाई क्योंकि देश तो टाटा अंबानी बिरला ही चला रहे हैं, तो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्गर तो वही पॉलिटिकल पार्टीज होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, बट कहना क्या चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब गणतंत्र राज्य, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो डिसाइड होता है, जो MLA हो चाहे MP हो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पीपल्स डिसाइड करते हैं, उनके वोटिंग के द्वारा जीता जाता है। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, कैसा सॉल्वेंट लिया उस पर भी डिपेंड करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता कि भाई आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना लिया या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना है उस पर डिपेंड करता, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो ये मेरा है 1 kg ऑफ वाटर, मैंने क्या लिया 1 kg ऑफ H2O लिया, ठीक है, और तीन सिमिलर कंटेनर लिए 1 kg ऑफ H2O, तीन सिमिलर कंडीशन है भाई, सब कंटेनर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, वाटर का भी वेट मैंने क्या लिया ऑलमोस्ट सेम लिया, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले कंटेनर में मैं 29.58 ग्राम NaCl डाल रहा हूँ, कितना डाल रहा हूँ NaCl, ठीक है, 29.25 ग्राम NaCl डाल रहा हूँ, इस पर मैं डाल रहा हूँ 30 ग्राम यूरिया डाल रहा हूँ मैं, और इस पर मैं डाल रहा हूँ सपोज करो 90 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ मैं 90 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तीनों कंटेनर मैंने सेम लिए, वेल वॉल्यूम सेम लिया, टेम्परेचर सेम लिया, मैंने क्या कर रहा हूँ बस सब में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अलग अलग डाल रहा हूँ, ठीक है। लेट इसका डालने के बाद RL रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो Z आ रहा है, यहाँ पे RLVP क्या आ रहा है, यहाँ पे RLVP को हम मान लेते हैं X मान लेते हैं, और यहाँ पे RLVP को हम क्या मान लेते हैं Y मान लेते हैं, ठीक है, Y मान लेते हैं, कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा मैंने तीनों तो मैं बोलूंगा भाई कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर आप बोलो, जैसे मैंने तीन ऑप्शन दिए, पहले कंडीशन की X ग्रेटर देन Y होगा, या Y जो होगा ग्रेटर देन X होगा, या तीसरा कंडीशन है X इज इक्वल टू Y होगा, या चौथा कंडीशन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मान लो मैंने कुछ ऐसे कंडीशन दिया, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो बस आपको इतना सा बात याद रखना बेटा, अभी मैंने आपको बोला कि भैया जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करे, तो आप ऐसे गौर करोगे तो 90 ग्राम ये है, ये 30 ग्राम है, तो प्रैक्टिकली होना तो चाहिए था भाई वाई का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक काम करो पहले मोल्स निकाल लो, तो इनके भी मोल्स 1/2 होंगे, इसके भी मोल्स 1/2 होंगे, और इसके भी मोल्स क्या होंगे 1/2 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब मोल्स बराबर है तो मोल फ्रैक्शन भी इतना ही सेम ही होगा दोनों में, जब दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसकी ज़्यादा होगी, किसकी मतलब क्या होगी, आंसर क्या होगा, X इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दोनों केस में सेम है, और RLB का फॉर्मूला क्या होता है, P0A - PA / P0 इज इक्वल टू XB, तो टोटल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, और दोनों केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर है मेरा। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो मोल फ्रैक्शन सेम ही होगा, तो क्या मैं X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z लिख सकता हूं? देखो अब यहीं पे दो बातें आपको सीखनी है, क्या वो सीखनी है बेटा,
के, देखो ये जो था यूरिया और ग्लूकोज जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं मेरे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपको चार पांच ही एग्जांपल याद रखना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। ये ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, यूरिया हुआ, यही आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब ये वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NaCl जैसे ही आप पानी में डालोगे तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने हाफ मोल लिया तो आपको टोटल 1 मोल मिल रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करे, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ चुका है। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स तो वाई के बराबर होगा लेकिन जेड सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के केस में या तो वो डिसोसिएट करेगा, या तो वो क्या करता है डिसोसिएट करता है, या तो वो क्या करता है एसोसिएट करता है। या तो वो डिसोसिएट करेगा या तो वो एसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, और एसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे। एसोसिएट मतलब तीन चार पार्टिकल कंबाइन करके एक पार्टिकल बना रहा। तो उस केस में आप खुद से ऑब्जर्व करो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो चुके हैं, घट चुके हैं। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो RLVP है, जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर कर दिया उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन में लिख देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, properties of solution which depends only upon number of solute particle present in the solution present in the solution and are independent from nature of solute and are independent from nature of solute particle are known as colligative properties. को CP से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? These are also known as democratic property. इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहला जो आपको पढ़ना है वो है RLVP, जो हम पहले ही ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में कवर कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है। क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। तो अगर आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है तो आप उससे क्या कर सकते हो, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवरऑल मोलेलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मोलेलिटी पे। ठीक है, तो जैसे RLVP है, अब आप बोलोगे सर RLVP तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो याद है आपको ये फॉर्मूला दिया था मैंने कि स्मॉल m बराबर क्या होगा, XB/XA इंटू 1000/मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता था, ये मैंने आपको दिया भी था। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, मोलेलिटी भी निकाला जा सकता है। तो वही बात है कि अगर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या, कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं मैं,
कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिर किन कंडीशन, ऐसा नहीं कि आप किसी भी सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते, ऐसा नहीं, तो कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या होती है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। और सेकंड केस क्या होना चाहिए कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, क्या होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, तभी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के निकाल सकते। अब एक्चुअली देखो प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, देखो प्रैक्टिकल यूज होता है जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स विटामिन्स, अब इनके मोलर मास बहुत बड़े होते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बेसिकली उन सॉल्यूट्स के मोलर मास निकालने में काम आते हैं जिनके मोलर मास बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और उनको सिर्फ प्रैक्टिकल ही निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकली आप उनको निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, एनी हाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से उनके मोलर मास निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये आई होप सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली होता है क्या, सिंपल सा भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब या तो कंसंट्रेशन, नंबर पार्टिकल हम कैसे डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन आपको कुछ भी हो सकता है, या तो मोल फ्रैक्शन हो गया, तो मोलालिटी होगा, आई बात समझ में। अच्छा एक बात और, अगर ये बहुत कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्योंकि मेरा पहला कंडीशन है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, तो इस केस में आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है, मान लो अगर आपको क्या दिया, मोलरिटी दिया हुआ है, और मैंने आपको बोला भाई सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी हाउ मोलरिटी पे डिपेंड करती है, किस पे, स्मॉल एम पे डिपेंड करती है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि मोलरिटी जो होगा वो मोलरिटी के बराबर मान सकते हो सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में, हालांकि जनरली होता नहीं है, ताकि अभी आपको क्या होगा, बस यहाँ पे आपको टाइम बच जाएगा कि आप मोलरिटी दिया वो उसको मोलरिटी की वैल्यू मान के आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप सो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की, इसमें कॉन्सेप्ट आता है बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से। मैथ्स वाले अगर इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो इनको ये आपको समझ में आएगा कि आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा आई, हालांकि ये आई अलग होता है यहाँ से आई से, ठीक है। एक्चुअली ये आई डिनोट क्या क्या था, दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब एक्चुअली आई मुझे बताता है क्या, ये मुझे बताता है एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल या आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। तो दिस फैक्टर मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि भाई डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उसी फैक्टर को ये बताता है आई। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या ऑब्लिक एसोसिएशन डिवाइडेड बाय, आप इसको कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, पहले जितने थे और बाद में जितने बचे हैं, मतलब बाद में कितने बने हैं, ठीक है, डिसोसिएशन एसोसिएशन का, उन दोनों फैक्टर को आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपको आई की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो अब इसमें दो केस होते हैं, पहले हम डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू निकालना सीखेंगे और बाद में एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। एक्चुअली है इंपॉर्टेंट बेटा, ये जेईई मेंस और नीट वगैरह में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज तो सिर्फ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप इधर देखिए, केस वन की बात करूँ मैं अगर,
केस वन की बात करूं, केस वन मेरा क्या हो जाता है, डिसोसिएशन केस में मान के चल रहा, डिसोसिएशन होगा तो एक बात बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे या घटेंगे, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे बेटा, डिसोसिएट करने पर बढ़ते हैं, इसका मतलब आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगी, कभी भी याद रखना आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन आ रही है तो पार्टी नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वो केस कौन सा होता है, डिसोसिएशन का केस होता है, किसका केस होता है, डिसोसिएशन का। अब इसमें आई की वैल्यू निकालते कैसे होते हैं, एग्जांपल से सीखो, मान लो सपोज करो NaCl है तो ये किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस, मान लो इनिशियली A था तब ये 0 0, कुछ समय के बाद A माइनस A अल्फा, तो यहां से जब A अल्फा टूटा तो यहां बनेगा कितना, A अल्फा और A अल्फा ही बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनिशियली बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, A थे, आफ्टर एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन मतलब बिफोर डिसोसिएशन तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल था A, आफ्टर डिसोसिएशन तो इन सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, A प्लस A अल्फा मिलेगी, मिलेगी आपको। I की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो A प्लस A अल्फा को मैं डिवाइड कर दूं किससे, A से, तो ये किसके वैल्यू बराबर, 1 प्लस अल्फा, तो I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा। और अगर आपका डिसोसिएशन 100% है मतलब 100% डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, मतलब ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएटेड है, Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन ये केस कब है, जब अल्फा मेरा 100%, अल्फा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कभी कभी अल्फा 80% भी दिया रहता है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.8 करोगे तो एक्चुअल में आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1.8 आएगी। तो आई होप सो यहाँ से आगे एग्जाम्पल को समझ में आ गया होगा, एक और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं बेटा, MgCl2, MgCl2 किसमें डिसोसिएट होगा, Mg+2 और ट्वाइस ऑफ Cl-, अगर ये A है तो ये 0 0 होगा आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, ये A माइनस A अल्फा डिसोसिएट है और ये A अल्फा और ये A अल्फा जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम करते आ रहे हैं, तो I की यहाँ पे 2A अल्फा होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्योंकि 2 है ना स्टाइचोमेट्रिक, तो यहाँ पे 2A अल्फा, तो इनिशियली आपका A था बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बच रहे, A प्लस 2A अल्फा बच रहे, तो I की वैल्यू अगर आप देखोगे तो A प्लस 2A अल्फा बाय A, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, I की वैल्यू आपको कितने निकली, 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देख लो आप बस एक किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट करके देख लो कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, I की वैल्यू, बट शर्त क्या है, अल्फा 100 अल्फा 1 होना चाहिए, मतलब 100% डिसोसिएशन होना चाहिए उस केस में, आई बात समझ सबको, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तीसरा केस अगर मैं देखूं, अगर AlCl3 है तो ये क्या हो जाएगा, Al+3 और 3Cl-, मान लो ये A था तो 0 0 इनिशियली, कुछ समय के बाद जब डिसोसिएट कर तो A-A अल्फा और 3A अल्फा, बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल A थे, आफ्टर डिसोसिएशन A+3A अल्फा है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+3A अल्फा बाय A, मतलब कितना हो जाएगा, 1+3 अल्फा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू, और अल्फा अगर 1 है तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2+1 3, 3+1 4, तो आप देख सकते हो कि भाई जितने भी मेरे होंगे यहाँ पे क्या बोल सकता है, जितने भी मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही आई की वैल्यू होगी, भाई कितने आप देख लो ना, किसी सॉल्ट को डिसोसिएट करने पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहे वो उसकी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक और एग्जाम्पल लेके, जैसे सपोज करो फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, Al2SO4 थ्राइस, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा ट्वाइस ऑफ Al+3 और थ्राइस ऑफ SO4 2-, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, और इनटू नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मैंने सिखाया भी आयनिक में, अगर ये इनिशियली A है तो यहाँ पे क्या होगा, A-A अल्फा 2A अल्फा और 3A अल्फा, इनिशियली कितना था, A थे, आफ्टर डिसोसिएशन A+5A अल्फा बच रहा है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+5A अल्फा बाय A, मतलब I 1+5 अल्फा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, कुछ गड़बड़ है सर,
अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस ए अल्फा फोर ए अल्फा हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ कितना बचेगा, आई प्लस वन, आई बराबर कितना होगा, वन प्लस फोर अल्फा। तो अगर अल्फा की वैल्यू वन है, मतलब 100% ये सॉल्ट डिसोसिएट कर रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, दो दो और तीन पाँच। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी, ये मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन जनरल केस की बात करूँ, ये तो चलो सॉल्ट है, तो अगर मैं इन जनरल फॉर्मूला अप्लाई करूँ, इन जनरल अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो आई की वैल्यू वन प्लस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, टू प्लस थ्री फाइव। अगर एन पार्टिकल मतलब पांच पार्टिकल है, तो यहाँ पे फोर आ रहा है, थ्री पार्ट फोर पार्टिकल है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही, थ्री। तो इसका मतलब अगर एन पार्टिकल होंगे, तो यहाँ पे अल्फा को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन माइनस वन से। फिर से समझो, यहाँ पे क्या, टोटल चार पार्टिकल थे, तो अल्फा के आगे कितनी वैल्यू आ रही थी, एक कम आ रही थी। यहाँ पे भी टोटल पांच पार्टिकल थे, तो अल्फा के आगे वैल्यू कितनी आ रही थी, एक कम आ रही थी, फोर। तो अगर एन पार्टिकल डिसोसिएट करेंगे, तो एन माइनस वन इंटू अल्फा, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। और अल्फा की बात करूं, मतलब दिस इज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालने बोलेगा, तो आप इसको कैसे लिखो, आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, आई होप सो बेटा ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दिस इज और जनरल केसेस डिसोसिएशन का, आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम केस कर रहे हैं एसोसिएशन का, ठीक है। केस टू की बात करते हैं हम, केस टू एसोसिएशन। अब एसोसिएशन मतलब पार्टिकल एसोसिएट कर रहा है, दो चार पार्टिकल मिलके जुड़ के एक पार्टिकल बना रहे, तो ऑब्वियस बात है यहां पे वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाएंगे। अगर डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, आप देख लो किसी भी केस में आई की वैल्यू क्या थी, NaCl के लिए आई की वैल्यू टू थी, AlCl3 के लिए आई की वैल्यू क्या थी, फोर थी, Al2SO4 थ्राइस के लिए आई की वैल्यू फाइव थी। मतलब पार्टिकल डिसोसिएट करेंगे, तो आई की वैल्यू एनी हाउ वन से बड़ी रहेगी, लेकिन पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो आई की वैल्यू वन से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। वन से क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए। अब एसोसिएशन में क्या क्या होता है, पहला केस होता है डाइमराइजेशन का, क्या होता है डाइमराइजेशन का। डाइमराइजेशन में क्या होता है, डाइमराइजेशन में यह होगा कि भाई दो पार्टिकल जुड़ के क्या करेंगे, एक पार्टिकल को फॉर्म करेंगे, दो पार्टिकल जुड़ के क्या करेंगे, एक पार्टिकल को फॉर्म करेंगे। तो जैसे सपोज करो दो ए है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए टू में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ए टू में। तो जैसे अगर मैं बात करूँ बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन में क्या होगा, ए होगा तब ये जीरो होगा, और आफ्टर एसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा, यहाँ पे आपको क्या रखना है, ए अल्फा ही रखना है, लेकिन यहाँ पे ए अल्फा बनेगा, लेकिन आपको डिवाइडेड बाई क्या करना है, इसको टू करना है, जो भी यहाँ का स्टोइकोमेट्री होगा वो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको डिवाइड करना। तो आई होप सो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए माइनस ए अल्फा, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना। कभी कभी किसी बुक में यहाँ क्या, यहाँ टू दिया रहता है या यहाँ पे वन दिया रहता, तो बात एक ही है, जितना डिसोसिएट करेगा उसका आधा ही यहाँ पे बनेगा। डिसोसिएट ए अल्फा किया और यहाँ पे बनेगा कितना, ए अल्फा बाई टू। डिसोसिएट टू ए अल्फा कराओगे तो यहाँ पे आप ए अल्फा लिख सकते हैं, चॉइस इज योर। बट हम जनरली हम केमिकल इक्विलिब्रियम से कहते आ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ जब कोई चेंज नहीं करोगे तो इसके स्टोइकोमेट्री को डिवाइड करो, इसके स्टोइकोमेट्री को आप मल्टीप्लाई करो, वो हम जनरली सीखते भी हैं पहले से भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस ए, अब बिफोर डिसोसिएशन में ए, और आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा बाई टू। जब इनको सब्ट्रैक्ट इनको ऐड करोगे तो ए माइनस ए अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय ए, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस अल्फा बाय 2। आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस अल्फा बाय 2 मिलेगी, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाय 2, विच इज लेस देन
वन। आई बात समझ सबको, आई होप सो आपको यहाँ तक, मतलब डाइमराइजेशन होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ट्राइमराइजेशन होगा तो 1/3 हो जाएगी, क्वार्टरमराइजेशन हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगी। तो एक एक करके हम चीजें देखेंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा मेरा ट्राइमराइजेशन का, ट्राइमराइजेशन में क्या होता है भैया, तीन पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बनाएंगे, तीन पार्टिकल मिलके क्या करेंगे, एक पार्टिकल को फॉर्म करेंगे। तो 3A बराबर क्या होगा, A3 होगा, तो बिफोर डिसोसिएशन लेट A है तो कुछ नहीं बनेगा, आफ्टर एसोसिएशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस A अल्फा हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे A अल्फा बाय 3, जो भी यहाँ का स्टोइकोमेट्रिक होगा वो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर पार्टिकल A है, और आफ्टर डिसोसिएशन A माइनस 2A अल्फा बाय 3, 2A अल्फा बाय 3, आप इनको सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3A माइनस 3 अल्फा प्लस A अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2A अल्फा बाय 3। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, A माइनस 2A अल्फा बाय 3, 2A अल्फा बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय A, A A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, और अल्फा मतलब I की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3 आ रहा है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब अल्फा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो ट्राइमराइजेशन में आप देख चुके इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल केस की बात करूँ, इन जनरल इसका फॉर्मूला कैसे आप डिराइव करोगे, तो आई की वैल्यू 1, ठीक है, 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा, कैसे, अब जैसे अगर n की वैल्यू 2 रख रहा हूं मैं यहां पे, देखो अगर आप, अगर ये फॉर्मूला आपको गलत लग रहा है तो आप ऐसे पुट करके देखो, अगर n की वैल्यू 2 रख रहा हूं मैं, हाँ n की वैल्यू 2 है तो 1/2 - 1, तो -1/2, तो 1 - 2/2, मतलब अल्फा बाय 2 आ रहा है यहां पे भी। अगेन अगर यहां पे 3 रख रहा हूं तो 1/3 - 1, मतलब -1/1 - 2/3 अल्फा, यही वैल्यू मुझे मेरा 2/3 अल्फा मिल रहा है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला क्या होता है मेरा, जनरल फॉर्मूला एसोसिएशन का होता है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला अगर कोई बोले कैलकुलेट करने, तो क्या होगा, आई माइनस 1/1/n-1, बस फर्क कितना हो जाता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, आई माइनस 1/n-1 होता है, यहाँ पे 1/n-1 होता है, आई बात समझ सबको, ठीक है। केस अगर मैं तीसरा लेता हूँ, थर्ड केस, अब भाई नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना ही डिसोसिएट कर रहा है ना ही एसोसिएट कर रहा है, उस केस में आई की वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इससे पहले ये दो केसेस जो होते हैं उनको आप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, एबनॉर्मल, बस कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड से वैल्यू क्या होती है, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी, क्योंकि भाई आप तो डाल रहे हो एक पार्टिकल, अगर दो पार्टिकल हो गए तो हो सकता है वैल्यू ज़्यादा बढ़ गए, या पार्टिकल दो डाल रहे हो और आपको एक पार्टिकल का वैल्यू मिल रहा है, मतलब नॉर्मल तो नहीं है इस केस में, यहाँ पे आई बात समझ में, तो आई होप से यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आई की वैल्यू 1 है, अगर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिंपल से बात है, ना तो एसोसिएशन करेगा ना तो डिसोसिएशन करेगा, और इसको मैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, इनको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का निकालने का मकसद क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का मकसद है ताकि हम किसी भी बड़े से बड़े में जो बहुत बड़े बड़े लार्ज अमाउंट लार्ज फॉर्मूले के जो सॉल्यूट होते हैं उनका मोलर मास निकालना प्रैक्टिकली में कैसे निकाला जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, आपने भैया आपको एक्सपेक्टेड था m, लेकिन मोलर मास m के बजाय कुछ और ही आ रहा, या तो ज़्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उस केस में, हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो याद रखना, अगर एसोसिएशन होता है केस और या डिसोसिएशन होता है उस केस में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं हम उसको, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आई का एक और वैल्यू निकलता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ये भी एक I का एक अपना वैल्यू होता है, ठीक है। तो याद रखना डिसोसिएशन और नाइदर एसोसिएशन, जब कुछ नहीं हो तो I के वैल्यू 1 है, और अगर I लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 के केस में हम उनको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। I का एक और फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे पता है हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए समझो ये आगे, मतलब जस्ट अभी जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्स शो करता है मोलर मास। तो अगर आई की वैल्यू अगर मैं बोल दूं नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कहने का मतलब है एक बार आपने नॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट का निकाला और एक बार डिसोसिएशन एसोसिएशन करके सॉल्यूट का मोलर मास निकाला, और इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे ये भी क्या जनरेट करता है मुझे, आई ही जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा आपको, आई ही जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ना एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब मुझे पता हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होता है मोलर मास के, तो इसका मोलर मास ऊपर जाएगा और इसका मोलर मास नीचे आएगा। तो आई होप सो तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करो, एसिटिक एसिड जो होता है, एसेटिक एसिड जो अगर मैं नॉर्मल जो रहा इसका मोलर मास कितना रहता है 60, लेकिन एसेटिक एसिड क्या होता है किस स्पेशल केसेस में डाइमराइजेशन भी शो करता है। अगर एसेटिक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो ये डाइमराइजेशन शो करता है। तो आफ्टर एसोसिएशन इसका मोलर मास 60 तो कभी नहीं होगा, 60 से ज़्यादा होगा, 60 से कम होगा, बट 60 नहीं होगा। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कोई न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो आपको यहाँ पे आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आपको इसको बेटर मैं अलग से समझाता हूँ, रुको एक मिनट रुको, ठीक है। तो आई होप सो इतना आपने समझ लिया होगा, एक मिनट जस्ट। जैसे मैंने आपको क्या बोला, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH का नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना होता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास होता है 60, कितना होता है 60, लेकिन अगर मैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की बात करूंगा तो ये 60 के बराबर कभी भी नहीं होगा, हो सकता है 60 से ज़्यादा होगा या 60 से कम होता है, क्योंकि जनरल हमेशा ये क्या करता है, एसिटिक एसिड एसोसिएशन का केस शो करता है। क्या शो करता है, एसोसिएशन। आपको दो तीन ही एग्जांपल आ रहा, आपको वही एग्जांपल याद रखना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन का एग्जांपल दिया हुआ, और केसीएल वगैरह एनएससीएल वगैरह ये तो आपको समझ में ही आ रहा है, ये तो भैया क्या करते हैं डिसोसिएट ही करेंगे, एनएससीएल दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, केसीएल भी दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा। आई बात समझ में, अगर एसोसिएशन करता है तो ये वैल्यू आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो मोलर मास क्या होगा 60 से ज़्यादा होगा, मतलब 60 से तो ज़्यादा ही होगा, 60 से कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ डिसोसिएशन में, तो डिसोसिएशन में क्या होता है मोलर मास क्या हो जाता है घट जाता है, मोलर मास क्या हो जाता है घट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ केसीएल, केसीएल का नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना होता है, केसीएल का नॉर्मल मोलिकुलर मास होता है 74.5, कितना होता है 74.5। इसका मतलब ये है आई की वैल्यू 1 से और इसके बीच में रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द अल्फा, अगर अल्फा इक्वल टू 1 है तो आई की वैल्यू 2 रहेगी, अल्फा अगर डिसोसिएट ही नहीं करा तो आई के, मान लो केसीएल डिसोसिएट ही नहीं करा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, केसीएल जब भी आप एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ ना कुछ वो डिसोसिएट करेगा, इन केस मान लो डिसोसिएट नहीं भी करता
तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब आई की वैल्यू 1 और 2 से के बीच में रहेगी। तो आई की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी, तो इसका मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो इसका 74.5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 74.5 डिवाइडेड बाय 2 होगा, या तो 74.5 हो। अगर आई की वैल्यू 2 है तो मॉलिक्यूलर मास आधा हो जाएगा, और आई की वैल्यू 1 है तो एज इट इज रहेगा। तो इसका मोलर मास क्या रहेगा 74.5 से बाय 2 से ज़्यादा रहेगा, 74.5 के बीच में रहेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डिसोसिएशन के केस में नॉर्मल मोलर मास जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मल मोलर मास बाय आई और या नॉर्मल मोलर मास के बीच में रहता है। लेकिन एसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन के केस में जब उल्टा हो जाता है, सॉरी एबनॉर्मल मोलिकुलर मास जो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास जो होगा वो आई इंटू एमएन होगा और एमएन के बीच की वैल्यू रहती है, ठीक है। इसके बराबर हो सकता है बट इससे ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसके बराबर हो सकता है बट ये इससे हमेशा कम रहेगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आए, क्यों? क्योंकि यहाँ मोलर मास घटता है और यहाँ मोलर मास बढ़ता है। तो दिस इज योर ओवरऑल केस ऑफ, अगर जिस बच्चे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया बेटा तो डोंट वरी, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें खुद से ऑब्जर्व कर लोगे कि जब भी केस डिसोसिएशन का होता है उसमें मॉलिक्यूलर मास आधे से घट जाता है, लेकिन जब भी केस एसोसिएशन का होता है तो मॉलिक्यूलर मास जितनी भी आई की वैल्यू होगी उसके वो उसके बरा मतलब उसके गुणस आप जितनी भी आई की वैल्यू होगी एसोसिएशन केस में उसको आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका एग्जैक्टली एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो अब जो हम कुछ केस करने जा रहे हैं, अब मैंने क्या बोला क्योंकि अब आपका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का और टॉपिक है ये, 2 या 3 दिन का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आपको इतना करना है कि जो भी आपने अब फॉर्मूले पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, अब हर फॉर्मूले के आगे आपको आई लगाना है, ठीक है। कैसे? जैसे समझो, जैसे पहला केस था RLVP का था, RLV का फॉर्मूला क्या था, P0A - PA / P0A इज इक्वल टू क्या था, XB था और या आप ऐसा बोल सकते हो P0A - PA / PA इज इक्वल टू क्या था, NB / NA, ठीक है। भैया ये आप तब ले रहे थे, वो केस क्या था, नाइदर एसोसिएशन था नॉर डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन था उस केस में ना ही डिसोसिएशन था, तब उस केस में ये वैल्यू चल सकते थे। लेकिन अगर मान लो आई की वैल्यू, मतलब इस केस में ऑब्वियस से बात है आई की वैल्यू आपने क्या मान के चली थी, 1, तभी तो आप हम लोग डायरेक्ट लिख गया। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 नहीं है, मान लो इफ आई नॉट इज इक्वल टू 1, उस केस में हम क्या करेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, हर फॉर्मूले के आगे आपको क्या करना है, आई मल्टीप्लाई करना है। अब आपके लिए ये रियल फॉर्मूला है, दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों? इससे पहले जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने पढ़ाया था, तो याद करो मैंने या तो यूरिया डिसॉल्व किया था, या तो सुक्रोज डिसॉल्व किया था, या तो ग्लूकोज डिसॉल्व किया था। तो उस केस में हम आई के वैल्यू 1 मान के चलते, क्योंकि ये आई जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ऐसे समझो भाई, जो आई की वैल्यू 1 कौन से पार्टिकल शो करेंगे, आई की वैल्यू 1 वो पार्टिकल शो करेंगे जो जिनका बड़ा बड़ा साइज हो, NH2CO NH2, थोड़ा साइज बड़ा, ग्लूकोज का साइज और भी बड़ा, फ्रक्टोज, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी जल्दी से डिसोसिएट नहीं करते, उनको हम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डिसोसिएशन मान के चलते या निग्लिजिबल एसोसिएशन मान के चलते, इसलिए आई की वैल्यू वहां पे क्या होती है, 1 होती है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अब से आपका ये जनरल फॉर्मूला है, तो P0A - PA / PA इज इक्वल टू I into NB / NA। अब आपके हर फॉर्मूले के आगे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब आ गया पढ़ोगे आप, चाहे एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट पढ़ रहे हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हर सबके आपको आई लगा के ही वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पहले खत्म कर चुके थे, ठीक है। अब हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बात को समझो, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे सपोज करो आपका पानी उबल रहा है, ठीक है। जैसे पानी जो आपका होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। भैया किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, भाई जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए,
किसी भी टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर फेज उसके एटमॉस्फेरिक वेपर फेज के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं एलिवेशन, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब थोड़ा बात को समझना, मैं क्या कर रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज करेगा, या तो आपने कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया या सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, ऐसा सॉल्यूट ऐड किया जिससे वेपर प्रेशर क्या, आप कोई भी चीज मान लो कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी लिक्विड में डालते हो तो आप वो क्या करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है वो घटा देता है, या कोई भी आप सॉल्यूट डालोगे तो कुछ समय के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्जर्व करो, मतलब जो वाटर आपका 100 डिग्री पे बॉयल होता था लेट्स से कि अब वो 110 पे बॉयल होगा, कितने पे, 110 पे, क्यों, क्योंकि अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्यों, अब ऐसा सर पहले वाटर आपका 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, आपने 10 ग्राम चीनी डाल दिया उसमें, कितना डाला 10 ग्राम चीनी या 100 ग्राम चीनी डाल दिया 1 लीटर पानी में, तो पहले क्या हो रहा था भैया, पहले की इनिशियली आपका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, अब आपको ज्यादा से ज्यादा आप प्योर लिक्विड में, आपको याद करो प्योर लिक्विड में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे या कोई भी सॉल्यूट ऐड करने पे नेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब जब वेपर प्रेशर घट गया तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बेटा, है ना, तो वही चीज़ होता है कि जो इसलिए कहा जाता है कि जो वाटर आपका पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था अब वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, वो 110 पे बॉयल होगा, वो 105 पे बॉयल होगा, वो हो सकता है 115 पे बॉयल हो, इसी को हम क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने या कोई भी सॉल्यूट ऐड करने पे किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है या किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे अगर मैं फेज डायग्राम की बात करूं, मैं यहां पे मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको, फिर से कोई दिक्कत नहीं हो आपको, मैं डायग्रामेटिकली भी समझाने को, आखिर पहले फेज डायग्राम होता है क्या, डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ अ डायग्राम which represent stability of a diagram which represents stability of various phase of a given substance under the given condition of pressure and temperature is known as phase डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है भैया, ऐसा डायग्राम जो स्टेबिलिटी फेज का बताता है किसी भी सब्सटेंस का अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं फेज डायग्राम, जो कि मैंने आपको केमिकल के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, आई होप सो इतना आपने पढ़ा होगा प्रेशर और टेम्परेचर। अगर मैं ऐसे बात करूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा फेज डायग्राम होता था, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता था, सॉलिड को रिप्रेजेंट करता था, ये लिक्विड को, और ये क्या करता था, गैस को। इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे, इस केस में अगर मैं ऐसा प्रेशर 1 atm मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ मैं, 1 atm एट 1 atmospheric प्रेशर मान के चल रहा हूँ, तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड और गैस का रिप्रेजेंटेशन करेगा आपको, हाँ या ना, मानते इस बात को केस में, और एक मिनट जस्ट होल्ड करना, ये जो एरिया होगा सॉलिड और लिक्विड का होगा, ये जो एरिया होगा लिक्विड और गैस का होगा, और ये जो एरिया होगा सॉलिड और गैस का होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ, समझो बात को, कि अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है लिक्विड और गैस का, मतलब यहाँ जो होगा ये पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है आपको, मतलब प्रेशर आपका आपने कितना रखा है, 1 atm रखा, 1 atm का लाइन आपने खींचा, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम, और जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम हो जाते हैं तो उस केस को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, 1 atmospheric पे
यह मान लो वन एटमोस्फेरिक पे सॉलिड और लिक्विड को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है? कहाँ टच कर रहा है? सॉरी माई मिस्टेक, ओके, ये जो पॉइंट होता है, सॉरी दिस इज द पॉइंट वेयर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे है ना, ये एरिया लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरिया सॉलिड और लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे केस में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा मेरे से गलती हो गया, ये बेटर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो ये जो लाइन कट करेगा, तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द केस ऑफ, क्योंकि ये लाइन लिक्विड और सॉलिड का है, ठीक है? तो ये जो लाइन होगा, अरे उल्टा लिख दिया सॉरी, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा और ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो वो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड का वेपर फेस सॉलिड के वेपर फेस के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो दिस इज योर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज योर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल पॉइंट, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा भी है, और कल आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया इसको मैं समझाता हूँ, रुको, डोंट वरी। ये मैं आपको समझाता भी हूँ फिर से, सॉरी माय मिस्टेक, वो गलती से हो गया था। जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो ये और वन एटमॉस्फेरिक करता तो वो पॉइंट होता है मेरा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, और जब लिक्विड और गैस वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कट कर रहा है लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम, ये पूरा फेज लिक्विड का है, ये पूरा फेज गैस का है, तो और ये जो लाइन होता है ये बाउंड्री डिनोट करता है मेरा लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम को, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वन एटमॉस्फेरिक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? मुझे पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होगा, भाई जिसका जितना वेपर प्रेशर कम होगा और आपको वन एटमॉस्फेरिक तक लेके जाना है, इसका मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी सॉल्यूशन में मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। उस केस में कैसे बढ़ जाता है, समझो बात को, जैसे अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, टेम्परेचर का, तो आपको याद होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा। तो अगर मैंने दो कर्व ड्रॉ किया तो आपको ये बताना इसमें से प्रेशर 1 atm का कर्व है ये, ठीक है? स्ट्रेट लाइन किसको डिनोट कर रहा है, 1 atm को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसमें से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कर्व कौन सा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व कौन सा है, तो ऑब्वियस से बात है ऊपर वाला कर्व किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, और नीचे वाला कर्व किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। क्यों होगा, देखो समझो बात को, वन एटमॉस्फेरिक पे वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन का आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इसका मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ये जो कर्व होता है ये होता है मेरा इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप इसको टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करो, क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे टी बी से, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का कर्व वेपर प्रेशर का ही, ध्यान से समझो, दोनों का कर्व क्या है, वेपर प्रेशर का ही कर्व है, लेकिन ये वन एटमोस्फेरिक पे कट कर रहा है, तो जब वन एटमोस्फेरिक पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वन एटमोस्फेरिक के बराबर हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वन एटमोस्फेरिक के बराबर हो जाए तो वो उसको हम किसको बोलेंगे, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप खुद से देखो यहां से यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, डेल्टा टी बी बोलते हैं इसी को, और यही होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको जैसे समझाया, जैसे सपोज करो अगर आपका वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg, ठीक है, इसका मतलब आप उसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो उसका मतलब 760 से तो वो कम हो गया, तो पहले तो 100 पे बॉइल हो रहा था, और आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब 100 से तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉइल वेपर प्रेशर बिल्कुल घट चुका है, मतलब उसको 760 पे लाने के लिए फिर से आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा।
क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे समझो वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और इसका मतलब ये हो जाएगा आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो तो पहले सपोज करो 750 था और टेम्परेचर 90 डिग्री पे था, या मान लो 100 डिग्री पे वाटर आपने लिया तो उस समय वाटर का भी 760 था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी 760, उसमें आपने क्या किया 100 ग्राम चीनी डाल दिया, अब वो 760 नहीं है उसका वेपर प्रेशर, अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, घट चुका है। तो वेपर प्रेशर घट चुका है तो 760 पे लाने के लिए अब आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस पे जो चीनी जो भी शुगर के मॉलिक्यूल वो क्या कर लेंगे, आपको याद होगा ये एग्जांपल दिया था मैंने कि जब भैया मान लो सॉल्यूशन आपने मिलाया, मान लो H2O का और शुगर का आपने सॉल्यूशन लिया, तो सरफेस पे H2O भी है शुगर भी है, H2O भी है शुगर भी है, मतलब सिर्फ वेपर तो शुगर का वाटर का बनेगा ना, शुगर का तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब पहले आपका मान लो 50 बन रहा था, अब हो सकता 30 ही मॉलिक्यूल का वेपर बने, तब आपको क्या बनना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि मेरा 760 आ जाए। मतलब वही कहने का मतलब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जगह तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए या वेपर प्रेशर 760 लाने तक के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो भैया अपने सॉल्यूशन फेज में रहेगा, इसका तो कोई बोले इसका तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो जब वेपर प्रेशर घट गया तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, दैट इज़ वाई किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, या इसलिए या आप ऐसा बोल सकते हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस यही डेल्टा टीपी मेरे लिए क्या होता है, एलिवेशन इन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे हम इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना टी नॉट भी आपके लिए यहां पे क्या होता है, टी नॉट भी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, और टी भी मेरे लिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, और टी भी हमेशा ज्यादा रहेगा, कभी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस क्या होता है, टी नॉट बी होता है, या स्मॉल बी से या कैपिटल बी से लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, अगर मैं थर्मो डायनेमिक्स को समझाने की कोशिश करूँ, थर्मोडायनेमिक्स अगर समझाने की कोशिश करो बेटा, मान लो एस सॉल्वेंट और एस सॉल्यूशन, ठीक है, एंट्रोपी है सॉल्यूशन का, आपको क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में एंट्रोपी की लाइन को रिप्रेजेंट करना, तो ऑब्वियस बात है वेपर का एंट्रोपी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। मतलब यही होगा कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, अरे यार सही था मेरा, माय मिस्टेक, सॉल्वेंट का होगा ना यहाँ पे, क्योंकि गैस है ये, लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये जो देखो, ये जो आप खुद से देखो, यहाँ से यहाँ आपको जाने के लिए टेम्परेचर क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ से यहाँ थोड़ा कम पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट। तो आप खुद से ऑब्जर्व करो, आपको इतनी एंट्रोपी बढ़ानी है तो ऑब्वियस ऑब्जर्व टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको बस इतनी एंट्रोपी बढ़ानी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको कम देना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी पॉइंट से समझ सकते हो, बट बेटर यही रहेगा आप इस तरीके से समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आ रही बात। और मुझे पता है हर डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट
और डेल्टा एस सॉल्वेंट, डेल्टा एस सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी, और डेल्टा एस सॉल्वेंट को आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी नॉट, सॉल्वेंट है ये टी नॉट भी। तो आप खुद से देखो कि सॉल्यूशन का डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा एस सॉल्वेंट से बड़ा है तो है ना, डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा डेल्टा, एक बात और, डेल्टा एच वेपराइजेशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके पर डिपेंड करता है जो लिक्विड होता है मेरा, ठीक है, जो भी आपने सी एस एस सी ओ एच लिया तो उसका आपको जो भी वेपराइजेशन करने के लिए एंथैल्पी देना पड़ेगा, मान लो सपोज 50 जूल आपको एंथैल्पी लगा किसका, सी एस एस सी डब्ल्यू एच को, लिक्विड को वेपराइजेशन में, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हर केस में तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि आप तो सी एस एस सी डब्ल्यू एच का ही सॉल्वेंट ले रहे हो, सी एस एस सी डब्ल्यू एच का ही लिक्विड ले रहे हो, सॉल्यूशन ले रहे हो, तो वो तो चेंज नहीं करेगा। अब डेल्टा सॉल्यूशन को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन, अब आप ऐसे देखो ना, मुझे पता है डेल्टा एस सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस सॉल्वेंट से, है ना, सॉल्वेंट से, तो इसका मतलब ये होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होगा क्या कर दूंगा, टीबी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्या, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी नॉट बी, ऑब्वियस सा बात मैं बोल सकता हूँ ना, टीबी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टी नॉट बी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से, एक मिनट शायद ये मेरा कुछ गड़बड़ है, एक मिनट के लिए वेट करना, ये रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन, ऊपर है सॉल्वेंट नीचे है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, क्या गड़बड़ किया वो समझ में नहीं आ रहा, एस सॉल्वेंट मेरा वेपर का सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा, फिर सॉल्वेंट को होगा, फिर सॉल्यूशन को होगा, तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा ओके ओके, वेपर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी माय मिस्टेक क्यों, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा और सॉल्वेंट यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा बेटा, आप ऐसे समझो, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है उनकी एंट्रोपी क्या होगी, दोनों तो लिक्विड फेज ही है लेकिन सॉल्यूशन में एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या रैंडमनेस ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, इसमें रैंडमनेस उतना तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का और ये हो जाएगा सॉल्वेंट का, तो आप भले ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे कि उल्टा कर दिया था क्या मैंने, हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सॉल्वेंट का हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, तो इस तरीके से जाओ, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट का एंट्रोपी मेरा क्या है, ज़्यादा है, डेल्टा एस एंट्रोपी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से फिर ये होगा, आई बात समझ में, एल सॉल्यूशन कम होगा तो डेल्टा एच अपना टी बी, और डेल्टा एच का टी नॉट बी भी कम होगा, लेकिन टी बी क्या होगा, ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये तो सेम ही है, तो टी नॉट बी कम होगा, टी बी मेरा ज़्यादा होगा, आई बात समझ में, तो ये मेरा से थोड़ा गलती हो गया था, आप समझ में आया आपको मैंने क्यों किया बेटा, सिंपल बात है, किसी भी सॉल्यूशन में एंट्रोपी फैक्टर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट्स है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो इस केस में सॉल्यूशन की एंट्रोपी यहाँ आएगी और सॉल्वेंट की एंट्रोपी यहाँ आएगी, तो इस वजह से हम एक तो थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग में मैंने आपको समझा दिया कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा होता, और प्रैक्टिकली भी आप ऐसा समझ सकते हो भैया कि इनिशियली आपको कोई लिक्विड है, मान लो आपको कोई लिक्विड है, उसका अपना वेपर प्रेशर होगा, आपने उसमें अगर कोई, लेकिन ये केस याद रखना, ये केस तभी वैलिड होता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
क्योंकि मैंने आपको कंडीशन क्या डाली थी कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब जितने भी आगे आप पढ़ोगे, जितने भी आगे आप वॉल्यूम पॉइंट पढ़ोगे वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जब भी आप किसी कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में आप ऐड करते हो तो उसके वजह से वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर घटेगा और आपको मान लो फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब जो पहले 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, अब 100 डिग्री पे नहीं बॉयल हो के 105 110 पे बॉयल हो, क्योंकि पहले से उसका वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, घट चुका है, टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बराबर जो होता है डेल्टा टी भी देखा गया है, तो क्योंकि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या डिपेंड करती है, मोलेलिटी पे डिपेंड करती है, और जब आप ये साइन हटाओगे तो डेल्टा टी भी बराबर आता है के बी इंटू एम। बस आपको क्या करना, आई की वैल्यू आगे लगा देनी है, आई बात समझ में, क्योंकि मेरा हर फॉर्मूला किस पर डिपेंड करेगा, आई पे भी डिपेंड करेगा। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबके आगे आप क्या लगाओगे, आई लगाओगे। अब यहाँ के बी क्या होता है, के बी होता है जो इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक, स्पेलिंग क्या होती है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, दोनों ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, आई बात समझ में। अगर मैं के बी वगैरह आपसे पूछा जाता है बोर्ड वगैरह में डिफाइन के बी वगैरह, तो अभी हम थोड़ा देख भी लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 12th का टॉपिक है ये आपका। तो अगर मैं बात करूँ के बी की, अच्छा एक बात और, ये के बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करी, के बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मतलब सॉल्वेंट क्या, मतलब वाटर का अपना के बी का वैल्यू होगा तो एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन, एसिडिक एसिड के बी का वैल्यू अपना होगा, कोई भी आप सॉल्वेंट लोगे तो हर सॉल्वेंट का के बी का अपना वैल्यू होता है। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन की क्या बात करूँ, अगर आई की वैल्यू 1 ले ली मैंने और मोलिलिटी मैंने कितनी ली, 1 ले, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी हो जाएगा, क्या ले हो जाएगा, के बी। तो हेंस के बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेंस के बी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, किसके लिए, 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए के बी डिफाइन होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट देख लो, के बी की यूनिट क्या होगी, के बी की यूनिट आई की वैल्यू, तो आई का तो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, के बी का यूनिट क्या होगा, डेल्टा टी बी को आप डिवाइड करोगे एम से, तो इसको जो आपको यूनिट मिलेगा केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि मोलिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है, तो केजी ऊपर चला क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो केल्विन से रिप्रेजेंट करोगे या तो सेल्सियस से रिप्रेजेंट करोगे, तो केल्विन क्योंकि जनरल पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, तो केजी केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करूँ वैल्यू की, तो क्या होता है, के बी इज अ कॉन्स्टेंट हूज न्यूमेरिकल वैल्यू, के बी इज अ कॉन्स्टेंट हूज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट इज डिफरेंट, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट का ये अलग अलग वैल्यू होता है, आई बात समझ में। इसका भी एक अपना फॉर्मूला होता है, के बी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर। अब फिर से मैं बोला टी नॉट बी क्यों लिया, क्योंकि के बी की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, सॉल्यूशन के लिए डिफाइन नहीं होता है, आई बात समझ में। तो के बी का जो भी वैल्यू होगा सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट कौन सा ले रहा, इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू सॉरी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इंटू 1000 बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो कभी कभी के बी की वैल्यू नहीं भी देता है और आपको ये सब डाटा दिया तो आप के बी की वैल्यू इनसे निकाल, हालांकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है। वेयर एम क्या है, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या दिया हुआ है, एन मतलब क्या होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं हम इसको, वेपराइजेशन बोलते हैं। आई बात समझ सबको? हाँ है ना, ठीक है, एक मिनट ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अब हम। ठीक है, कैलकुलेट के बी फॉर, कैलकुलेट के बी फॉर वाटर, कैलकुलेट के बी फॉर वाटर इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अभी मुझे के बी का वैल्यू मिला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एम बाय 1000 बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो आर की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, इसको मैं किस में लूँगा केल्विन में, तो 373 का होल स्क्वायर, मोलर मास 18 होता है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू क्या करूँगा मैं 540 डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है। तो जब आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो के बी की वैल्यू आती है 0.52, कितनी आती है, के बी की वैल्यू आती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कहने का मतलब क्या है, जैसे समझो बात को, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये के बी 0.52 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के बी 0.52 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जब अगर आपने आई की वैल्यू 1 ली और मोलरिटी 1 ली तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो रहा है के बी, इसका मतलब है कि भैया जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.52 से बढ़ेगा, कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन का वो 0.52 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि के बी की वैल्यू इतनी है, और अगर आपने ये लिया है कंडीशन तो डेल्टा टी बी बराबर के बी होगा, मतलब अगर आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका ये था और आपने 1 मोलल का कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से ही बढ़ेगा, यही के बी रिप्रेजेंट करता है। यह के बी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बहुत सारे बुक में ये सब दिया हुआ ही नहीं रहता है कि के बी, बस ये बोल देता है भाई कि सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, हर सॉल्वेंट का डिफरेंट डिफरेंट है, बट एक्चुअल में के बी होता क्या, के बी का मतलब ये होता है कि भाई भी मैं जो भी के बी की वैल्यू होगी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतने से ही बढ़ता है, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके ऊपर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम, इन 200 ग्राम ऑफ H2O, जिसका के बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.52 केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट अब निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किसका निकालना है सॉल्यूशन, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टी बी कैलकुलेट करना है, टी नॉट भी कितना होगा जल्दी बताओ, वेरी गुड, जो मैं सोच रहा हूँ अगर आप वो सोच रहे हो तो वेरी गुड, 373, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको कभी दिया नहीं जाएगा, वो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मुझे पता है डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, पहले डेल्टा टी बी निकालते थे, डेल्टा टी बी बराबर होता है आई इंटू के बी इंटू एम, क्योंकि आपने क्या लिया ग्लूकोज लिया, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, के बी की वैल्यू 0.52, मोलिटी ये दिस इज नॉट कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम, तो मोलिटी क्या होता है मोल्स पर के जी सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 90/180 इंटू 1000/मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना 200, ये कितना चला जाएगा 5, ये कितना चला जाएगा 2। ठीक है, तो दिस इज योर डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, तो यू विल गेट योर आंसर
जीरो 1.3 केल्विन, कितना आएगा 1.3 केल्विन। तो टी बी उसने पूछा तो टी बी माइनस 100 डिग्री 173 173 1.3, तो ऐड हो जाएगा तो टी बी बराबर कितना हो जाएगा 374.3 केल्विन। ठीक है 373 केल्विन। अच्छा अभी आप बोलोगे सर आपने अभी तो बोला 0.52 से बढ़ेगा, लेकिन वो तब बढ़ेगा जब कि मोलेलिटी मेरा वन हो, यहाँ मोलेलिटी वन नहीं है ना, तो वो चीज़ मैं आपको समझा दूँ। तो बेसिकली मैं सर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली के बी डिफाइन क्या करता है। के बी डिफाइन करता है कि भैया आपका इतने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वही आपका के बी होता है, लेकिन कंडीशन है आई की वैल्यू वन और मोलेलिटी वन हो चाहे, हालांकि यहाँ मोलेलिटी वन नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली डबल से थोड़ा मेरा बढ़ रहा है, 0.5 के बजाय 1 केल्विन से मेरा अप्रॉक्सीमेटली 1 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो आई होप सर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है क्वेश्चन है मेरा कि इस कंटेनर में मैंने क्या क्या लिया है, 5.85% W/W NaCl है आपके पास। ठीक है मैं ले रहा हूँ 7.1% W/W मैं ले रहा हूँ MgCl2 और मैं क्या ले रहा हूँ 3% W/W यूरिया, 3% W/W यूरिया। ठीक है आपको क्या करना है ये सॉल्यूशन करना है। ठीक है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ब्रैकेट में के बी की वैल्यू अगेन आपको 0.52 दिया हुआ है। ठीक है इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ठीक है तो इसका मतलब ये होगा तो आपको इसने बस ऐसा दिया, देखो मुझे पता है अगर ये सॉल्यूशन है इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी है, एक से ज़्यादा सॉल्यूट है, बस मैं कुछ नहीं करूँगा भाई। टोटल वेट W/W का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, x ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना हो जाएगा भाई, 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 5.85 प्लस 7.1 प्लस 3, तो अप्रॉक्सीमेटली वाटर का जो वेट आपको आता है यहाँ से वाटर का वेट आ जाएगा 84.05 ग्राम। ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला तो वही लगाना है डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम, फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पे क्या होगा देखो दो तो इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जेई या नीट में कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन ये एडवांस नहीं आएगा, मेंस वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं कि एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एडवांस वाले क्वेश्चन कल करेंगे हम जब, और क्योंकि आज क्यों बेसिक्स लेवल ही है तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर, क्योंकि जेई मेंस लेवल और नीट लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो ऑलमोस्ट मैं क्वेश्चन उसी लेवल के करवा रहा हूँ आज। तो आई की अब मैं क्या कर रहा हूँ, के बी तो कॉमन ले ले रहा हूँ। अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट क्या क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ 5.85 ग्राम दिया हुआ डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम और इसके आई के वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ले जाइए प्लस, और आपको क्या दिया हुआ MgCl2 3 दिया हुआ 7.1 को डिवाइड कर दे रहा हूँ, मैं टोटल मोल्स एक तरफ कर रहा हूँ और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 7.1 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है प्लस 3 × 60 क्योंकि यूरिया के आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है डिवाइडेड बाय 84.05 और इंटू 1000 मतलब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे आप प्लीज़ एक बार इसको कैलकुलेट करिएगा यहाँ पे कितना आ रहा है टी बी, क्योंकि अब ऑब्वियस समझते ये कैलकुलेशन मैं आप तक छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है आई होप सो कोई क्वेश्चन है क्या, देखते मेंस के लायक कोई क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है ये इतना ही है। ठीक है बाकी चीज़ अब हम क्या करेंगे एक मिनट के लिए जस्ट होल्ड करना। ठीक है तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है कल का लेक्चर दोनों के लिए डिफरेंट होगा जेई और नीट दोनों, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक्स लेवल थे,
तो बेसिक्स लेवल का कराया। कल हम कुछ क्वेश्चन एडवांस के करेंगे और कुछ नीट वालों के लिए अलग क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो डिफरेंट ही रिकॉर्ड करूंगा मैं उनके, ठीक है। तो आज का बिल्कुल कॉमन था, तो दैट इज़ वाई, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है, क्योंकि दो लेक्चर बिल्कुल कॉमन थे जेई नीट के, इसलिए मैंने एक ही में रिकॉर्ड करके आपको डाला, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। कल जो करेंगे, अब हार्डली आपका चैप्टर ज़्यादा देर का नहीं बचा है, 2-3 घंटे का ही ये चैप्टर बचा है, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ये तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।